का चैंपियन वो सेगमेंट है हमारा खास, वो आपको आपके सामने रखते हैं। नीलेश मास्टर जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे आपको ऑप्शंस का ऐसे ट्रेड जो आज आपके लिए अच्छा सौदा बन सकते हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग टू डिंपी जी। देखिए बिल्कुल खरीदारी पे फोकस है और जो स्टॉक हमारे डर पे आया है वो है ग्रासिम। पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे एक मेजर जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट 1790 के ऊपर आना है और इंडिकेशन तो यही मिल रहा है कि यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड हमें वो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे प्रियम करके चल रहे हैं कि इसी सीरीज में हमें ये काउंटर 1820 से लेकर 1840 तक की हो जाता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए इसे प्ले करना होगा। 1800 का कॉल ऑप्शन जो कि लगभग 20-21 रुपए के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, इसे खरीद के चले और ऊपरी स्तर पर टारगेट होगा 35 और सेकंड टारगेट होगा 48। तो यहाँ से एक ऑप्शन डबल हो सकता है और निचले स्तर पर अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस रखना होगा 12 रुपए का। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसे प्ले करने की सलाह होगी। एंड ऊपरी स्तर पर अगर हम रुपीज टर्म में बात करें तो 11,400 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है एंड मैक्सिमम लॉस इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से होगा वो होगा 5709 का, 5709 के आसपास का। तो यहाँ पे ग्रासिम हमें थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, ऊपरी स्तरों पर 1800 से 1820 का अंडरलाइन में टारगेट ध्यान में रखे चले। ओके ठीक है डन। तो एक ग्रासिम का एक ट्रेड आपके सामने है। ग्रासिम वैसे भी आज सीमेंट कंपनीज देखेंगे ना, अंबुजा ग्रासिम थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। 27 तारीख के डेरिवेटिव एक्सपायरी है, उस हिसाब से आप ऑप्शंस का सौदा ले सकते हैं। इसमें मुनाफा और लॉस दोनों हमने आपके लिए कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि कितना मुनाफा होगा कितना लॉस होगा और ये रेशियो टिपिकली 1:2 की ही रहती है, यानी कि जितने पैसे जाएंगे उससे डबल तो आएंगे ही आएंगे। नीलेश जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए।